हाय एवरीवन, मैं हूं प्रणाली। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूं आप एकदम मस्त मजे में रहेंगे और मैं भी मस्त मजे में हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना ना भूले और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज मैंने दो कुर्ती जो है वो परचेस किया हुआ है, एक मीशो से है और एक अजियो से है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसा है, आपको कंफर्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो परचेस किया है मीशो से परचेस किया हुआ है ये वाला ड्रेस है और इसके हैंड्स पे ऐसा कुछ आपको डिजाइनिंग मिलेगी जो कि पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है और सबसे बेस्ट मतलब ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप जब भी पहनोगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, कहीं पे भी आप चूज करोगे इसे पहनने के लिए। और सबसे पहली बात मतलब अगर आपका हाइट जो है मतलब नॉर्मल हाइट है, मेरा तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है 4'11" है, तो उस हिसाब से मुझे ये लॉन्ग होता है। लॉन्ग मतलब एकदम ही नहीं, बराबर से ही होता है, तो मुझे लेगिंग्स या कोई भी पैंट पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट नॉर्मली 5 या 5'2" ऐसे रहेगी तो अगर आप कंफर्टेबल है थोड़ा बहुत शॉर्ट पहनने के लिए तो आप पहन सकते हो, पर थोड़ा बहुत जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा उतना लॉन्ग आपको नहीं होगा ये, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आई विल से कि अगर आप कंफर्ट के हिसाब से देख रहे हो तो ये कुर्ती आपको परचेस करनी चाहिए। मटेरियल वाइज तो क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अंडर 500 के हिसाब से तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है। तो आई वुड से कि आप इसे परचेस कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल वाइज आपको ऑफिस में वगैरह पहनना रहेगा तो। सेकेंड कुर्ती जो मैंने परचेस की है वो अजियो से है, ये कुछ ऐसे दिख रही है और यहाँ पे जो नीचे है ऐसी उसकी जो डिजाइनिंग दी हुई है। इसके अगर आप हाथों पे ऐसा कुछ सिल्वर बुट्टी टाइप जो है वो वर्क किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा और रॉयल लुक देता है। ये कुर्ती आप कहीं पे भी आपको कॉन्फ्रेंस जाना है तो आप पहन सकते हो, ऑफिस वेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये ब्रांड जो है वो है इंडो एरा से और मेरी जो साइज है वो स्मॉल है इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मीडियम साइज में इसे मंगवाना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो है टाइट लगा, क्योंकि क्या धोने के बाद जो है फिर और टाइट हो जाएगा। तो और इसपे ऐसा जो है ये हुक्स भी दिए हुए हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप वैसे भी स्टाइलिंग कर सकते हो, मतलब चाहिए तो आप हुक्स लगा के भी इसे वेयर कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए तो आप इसका जो हुक्स है वो निकाल के भी आप इसे वेयर कर सकते हो। इसके साथ आपको मिलता है ये बॉटम वेयर, ये बॉटम वेयर ऐसा कुछ है, इलास्टिक है तो आराम से आपको हो जाएगा। यहां से फ्रंट साइड से ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये सारे जिनकी हाइट ज्यादा है कम है सबको ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बहुत अच्छा देखेगा। ये ऐसे बॉटम वेयर जो रहते हैं ना मतलब इतने कंफर्टेबल रहते हैं, उससे क्या होता है आपको बहुत एक रॉयल लुक आ जाती है। नॉर्मली क्या होता है बॉटम वेयर की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। बस स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये। पर जैसे कि मैंने कहा ये जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको बहुत मतलब एकदम फिट हो रहा है तो ये धोने के बाद शायद ही आपको मतलब बहुत ज्यादा फिटिंग इसकी हो जाएगी। तो मुझे तो मीडियम जो है साइज में लेना चाहिए था ये, तो दैट्स इट। और ये इसकी प्राइस जो है मैं कहीं पे स्क्रीन पे दे दूंगी, तो ये मुझे 1000 के ऊपर ही पड़ा हुआ है अजियो से मैंने परचेस किया हुआ है। दैट्स इट, ये दो कुर्ता जो है मैंने परचेस किया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए दोनों में से आपको कौन सा कुर्ता ज्यादा पसंद आया, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, टेक केयर।